हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर मैराथन। यहाँ पर मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो हमें इकट्ठा कहीं पे भी नहीं अवेलेबल होता है, तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन कुछ 2020 में जो आईएमपी रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। यदि आप डेली वाइज करंट अफेयर देखते हो तो आप सोच सकते हो कि आपके साल में कितने 365 दिन होते हैं। यदि एक दिन का आप 10 क्वेश्चन भी करते हो तो भी आपके 3650 के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाते हैं। इतना आप एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी हो, जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। हमें कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है जैसा पूछा जाता है उस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है। तो हम आने वाले समय में मैं यहाँ पर 10 वीडियो लेकर आऊँगा। 10 वीडियो में आपका 2020 का टोटल करंट अफेयर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अभी 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो 15 से 20 मिनट में जितने हो जाते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में गायों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए बनाया गया है गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसे मार्च 2020 में नियुक्त किया गया था, तो ये हैं इकबाल सिंह। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव इकबाल सिंह ने किसका स्थान लिया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसका स्थान लिया, एम गोपाल रेड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया था मार्च में वीके जौहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में फोर्थ बार कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, तो ये आप सभी को पता होगा इंदौर हमारा जब से ही फोर्थ, अभी मतलब हर बार फर्स्ट ही आता है, तो अभी भी फोर्थ बार हमारा यहाँ पर इंदौर फर्स्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की गई है। देखिए, हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश राज्य यहाँ पर ऑप्शन में होगा, है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य हम यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, डायरेक्ट फैक्ट वाइज सभी को ज़्यादा याद रहता है ना। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो रिविजन करने के लिए हमें फैक्ट वाइज ही पढ़ना है, हमारे अभी एग्जाम भी नज़दीक आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे, तो व्यक्ति 12.55 लाख, यानी 12,55,000 व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यहाँ पर लाभान्वित होंगे। देखिए, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है ना, कोविड-19 के ही तहत इन्होंने मतलब मध्य प्रदेश में यहाँ पर मुख्यमंत्री कर्मचारी बीमा योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो कितने 12,55,000 व्यक्ति यहाँ पर लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कुलदीप सिंह। ये 2020 में दिया गया है 2018 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में किस स्तंभ पीठ को स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, तो ये सभी विद्यालयों में स्थापित करने के लिए कहा गया है गांधी शक्ति पीठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCAER द्वारा जारी भारत के पहले NCAERE यानी लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है हमारा मध्य प्रदेश राज्य, है ना। तो दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दूसरा राज्य भी आप याद रखेंगे उड़ीसा राज्य है। बस हमें यही इतनी ही चीज़ जानना है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, एमपी करंट अफेयर डेली का यदि आप निकालोगे तो 50 क्वेश्चन से ऊपर निकलेंगे। बाकी जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें उसी प्रकार से तैयारी करना है और वही पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम रिविजन में आप जैसे ये PDF लोगे तो इस PDF में आपको लास्ट टाइम रिविजन में बहुत सहायता होगी, आप जल्दी से देख लोगे। तो ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, तो आने वाले 10 वीडियो की भी PDF आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर यानी SQAY प्रतियोगिता यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत अंडर 21 के तहत, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके ही तहत, है ना, तो उसके तहत शुरुआत की गई है SQAY प्रतियोगिता की, तो ये की गई है भोपाल मध्य प्रदेश में। देखिए, भोपाल और इंदौर ये दो शहर ऐसे होते हैं अधिकतर आयोजन यहीं पर होते हैं, तो इनमें हमारा कन्फ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि SQAY प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी, भोपाल मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले एयर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था भोपाल, जो कि राजा भोज हमारा एयरपोर्ट वहाँ पर स्थित है वहाँ पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखिए, जैसे ही कमलनाथ सरकार आई थी आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर युवा स्वाभिमान योजना चलाई गई थी जिसके तहत 4,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं, तो उसकी राशि अभी 1,000 बढ़ा दी गई है, तो उसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह अब मिलेंगे।
युवा स्वाभिमान योजना में हाँ की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो यह वर्ष 2019 में जनवरी और फरवरी के बीच में यहाँ पर की गई थी। तो योजना का आपको शुरुआत भी पूछी जा सकती है ना, जितनी भी योजना आती है तो हमें पता होना चाहिए 2019 और 20 में जितनी भी योजना रिलीज हुई है तो वो हमसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, 2018 की भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY के कार्यान्वयन में किस शहर तथा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है ना? तो ये हुआ है इंदौर, यदि राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी आईफा के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए ये हमारे पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि जो आईफा अवार्ड है अभी अभी जो हमारे देश में अभी दो ही शहरों में हुआ है, एक तो मुंबई में होता है और एक हमारे यहाँ पर इंदौर में होना था, पर अभी ये COVID-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, तो ये इसका आप याद रखिएगा इंदौर। नेक्स्ट है, मेगा बॉलीवुड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो अब ये भी पूछा जा सकता है, देखिए एमपी पुलिस और जेएल पेरेरी और एमपीपीएससी इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मेगा बॉलीवुड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गांव के मानचित्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ये प्रयोग किया जाएगा द्रोण का प्रयोग, यानी ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा उद्घाटन हुनर हाट है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है ये हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये इंदौर में किया गया। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी आप बताइए मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे ये आंसर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन यानी नेशनल वाटर कन्क्लेव का आयोजन 2020 में किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था भोपाल में। नेक्स्ट है, IRCTC द्वारा संचालित भारत की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल, ये आपको पता होना चाहिए, काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से किस शहर को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी इंदौर को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एकीकृत वाहन पंजीकरण बोर्ड यानी यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिंपली सा हम मध्य प्रदेश लगा देंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का हम यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने वाला यूपी के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? देखिए पहला राज्य भी पूछा जा सकता है, तो पहला राज्य याद रखिएगा यूपी और सेकंड है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयुष्मान भारत योजना है जो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, तो इसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है और ये 2018 में स्टार्ट की गई है। तो ये मैंने 3 फैक्ट आपको बता दिए हैं, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में ये आपसे टच हो सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड एवं सेवा सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये खरगोन जिले में, ठीक है, तो यहाँ पर निवाड़ी और निमाड़ी में बहुत अंतर है। निवाड़ी वो है जो अभी हमारा नया जिला बना है और निमाड़ी क्षेत्र खंडवा खरगोन बुरहानपुर है ना, तो ये पूरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये पूरा हमारा जो क्षेत्र कहलाता है निमाड़ क्षेत्र कहलाता है ना, तो निमाड़ ब्रांड के मिर्च यहाँ पर होती है, तो ये खरगोन जिले में, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए महोत्सव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं है ना, स्नूकर चैंपियनशिप इस प्रकार के और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप पुराने प्रश्न पत्र जेल प्रहरी के और एमपी पुलिस के उठाकर देख सकते हो किस प्रकार का मध्य प्रदेश से यहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है ना, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर पढ़ना है ना। मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको जेल पर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपसे 4 या 5 मध्य प्रदेश से करंट अफेयर आएगा ही, तो हम पूरे 300 मतलब पूरे साल के 365 दिन ही क्यों पढ़े पूरा करंट अफेयर, हम एक ही बार में क्यों ना पूरा पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राम वन गमन पथ के निर्माण परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक ट्रैक बनाया जा रहा है? तो देखिए चित्रकूट, राम की मतलब राम भगवान यहां पर आए थे है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो चित्रकूट से अमरकंटक तक परिमार्ग यहां पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ने पूरे शहर को ड्रोन से सैनिटाइज किया जो कि ऐसा करने वाला वहाँ भारत का पहला राज्य, देखिए यहाँ पहला राज्य नहीं सॉरी भारत का पहला शहर है
देखिए, जैसे कि अब पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ और वो भी हमारे मध्य प्रदेश के किसी जिले ने किया है, तो ये हमारे लिए बहुत अहम पे हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं कब की है, ये जब COVID-19 जब से स्टार्ट हुआ तब से ये पूरी घटनाएं हो रही है ना। तो हम तो COVID-19 में लगे थे, हमारे सामने कितने ही MP के करंट अफेयर यहाँ से निकल गए, तो वो सब मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए। तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने COVID-19 की लड़ाई में तैनात पुलिस व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितने रुपए की बीमा की घोषणा की है। तो ये आप राशि याद रखिएगा, इसमें उलझाते हैं 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस प्रकार से देंगे है ना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो राशि कितनी है, 50 लाख। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा COVID-19 का इलाज करने वाले कर्मियों को कितने रुपये माह देने की घोषणा की गई। यहाँ बात हो रही है किसे, COVID-19 का इलाज करने वाले जो कर्मी हो, जो स्वास्थ्य कर्मी है ना, तो उन्हें कितनी राशि, 10,000 प्रति माह, मतलब 10,000 उन्हें प्रति माह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना की घोषणा की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा है ना, ये योजना का नाम आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ने COVID-19 यानी ये पूरी योजना का ही नाम है, मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना कितना है ना। तो आप देख सकते हो COVID-19 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान है। क्यों है, क्योंकि घर घर जाकर इन्होंने सर्वे किया है, घर घर जाके पता करा है कौन व्यक्ति किधर से आया है, कोई मतलब दूसरे शहर से या दूसरे राज्य से आया है, तो इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी बहुत योगदान है। तो इनके लिए भी राशि 50 लाख का बीमा योजना यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे व बच्चों को स्वास्थ्य आहार प्रदान करने के लिए घर का दौरा किया गया था। ये अभी मैंने आपको बता दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा। दोस्तों हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, हम 15 से 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके बनाए गए है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बनाए गए प्रत्येक मास्क, जो मास्क बनाए जाते हैं के लिए कितने रुपए दिए गए, तो प्रत्येक मास्क 11 रुपये है ना। तो जिन्होंने भी मास्क बनाए हैं तो उन्हें प्रत्येक मास्क के 11 रुपये यहाँ पर सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो जीवन अमृत योजना है ना। तो हमारा जैसे कोई भी जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी होता है, तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए जीवन अमृत योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण को, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा मध्य प्रदेश का 11वां मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कब से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये अनिवार्य कब किया गया है, 26 जनवरी 2020 से। 26 जनवरी 2020 से यहाँ पर सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप देख लेना, या तो जेल प्रहरी या MP पुलिस, जो भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 2017 में भी इस प्रकार के MP पुलिस और जेल प्रहरी में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे खेलकूद होता है उससे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये किया गया भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस शहर में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये अमरकंटक में किया गया है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक लोगों का राज्य के बाहर इलाज किया गया है, तो PMJAY, ये योजना का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कितनी बार मुख्यमंत्री बने। अभी आपको पता होगा कि अभी जो हमारी कांग्रेस सरकार है, तो वो अभी जैसे सत्ता पलट हुआ, तो उसमें जो शिवराज सिंह चौहान ने वापस अपना पक्ष यहाँ पर रखा और ये इन्होंने जीत हासिल की, तो ये चौथी बार यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में, नेक्स्ट है, वर्तमान में BJP को मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीट प्राप्त है। देखिए, हमारे यहाँ जो विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, 230 है। अभी आपको पता होगा जो सत्ता पलट हुआ उसमें क्या हुआ, जो हमारे यहाँ BJP को 109 सीट थी है ना, 109 सीट थी, तो उसमें से कांग्रेस को कितनी यहाँ पर 92 सीट कांग्रेस को यहाँ पर चली गई है ना, तो 92 सीट यहाँ पर कांग्रेस को चली गई है।
हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर हमसे। तो ये अभी बीजेपी को वर्तमान में 107 सीट यहाँ पर है और अभी हमारे 24 सीट जो अभी खाली है तो उस पर अभी हमारे चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, कांग्रेस के पास अभी 92 सीट यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश में यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण कार्य का लोकार्पण किसने किया था? तो ये जब हमारे कमलनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के दौरान पुलिस कर्मियों के नव निर्मित आवासों का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गोविंदपुरा भोपाल में। नेक्स्ट है मास्को में आयोजित इंटरनेशनल फोटो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुल पदकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 9। नेक्स्ट है हमारा रॉयल म्यूजिक ग्रुप की ओर से संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था इंदौर में, ठीक है। इसमें इंदौर और भोपाल ज़्यादा आएंगे क्योंकि ये दोनों हमारे यहाँ के फेमस शहर है, तो यहीं पर अधिकतर महोत्सव वगैरह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च में कहाँ पर शराब महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया था इंदौर में। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा एविएशन हवाई पट्टी कहाँ पर विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही कहाँ पर? पचमढ़ी में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को किस अवार्ड के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आईफा अवार्ड 2020 के लिए, पर अभी यह आयोजित नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ला को। इनकी जो रचना है ब्लू इज लाइक ब्लू, तो इसके लिए आप याद रखिएगा, इनकी रचना भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राजा राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जो हमारा नया जिला बना है भी निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट है 17 मार्च 2020 को किस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, क्योंकि ये हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी में मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है ना? तो महिला दिवस कहाँ पर मनाया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो किस डेट को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नई स्कल्पचर ओपन गार्डन गैलरी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई थी कला परिषद अकादमी भोपाल द्वारा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को देवी शख्सियत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जानी मानी जितनी भी 15 हस्तियां है ना, तो 15 शख्सियत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में किस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आईफा अवार्ड का आयोजन करने वाला कौन सा राज्य बनता है जो किसी कारणवश आयोजित नहीं हो पाया? मतलब कौन सा राज्य है, दूसरा कौन सा राज्य है? तो ये हमारा है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो दूसरा राज्य हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और पहला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र है। तो ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली तेजस ट्रेन किस शहर में चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी इंदौर में, है ना। तो ये निजी ट्रेन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेगा स्केल सेंटर राज्य के कितने जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो ये जिले हैं 14 जिले, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अफ्रीकी चीते राज्य के किस अभ्यारण्य में रखे जाएंगे? अफ्रीका से जो हम चीते ला रहे हैं ना, अभी चीते हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है, नौरदेही अभ्यारण्य सागर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेफ स्मार्ट सिटी एम्पेयरिंग अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया सागर यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है राज्य के किस शहर में राइडिंग क्लब की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी इंदौर में। देखिए ऑप्शन में यदि आपको ज़्यादा कुछ पता ना हो तो बस हमारे दो ही शहर फेमस होते हैं, इंदौर और भोपाल। यदि आपको पता ना हो तब की बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में से कोई आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है बाल विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बालाघाट में। नेक्स्ट है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कितने आयुष ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 45, ठीक है। आयुष ग्राम 45 बनाने का यह निर्णय लिया गया है। रीवा में स्थित सोलर पार्क को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, कब तक इसके पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये मार्च 2022 तक। देखिए आपको पता होगा कि रीवा में जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ बनाया जा रहा है, ये खबर हमारी बहुत फैली हुई थी, है ना। तो ये इससे क्वेश्चन तो बनना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर का शहरी विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? यह नए संस्थान वगैरह कुछ भी बनाए जाते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल होगा। नेक्स्ट है खादी उत्सव 2020 का आयोजन किस महल में किया गया है? तो ये गोहर महल भोपाल में किया गया है।
नेक्स्ट है जबलपुर में किस पार्क को स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर की गई है, तो ये बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा नयन ज्योति डिवाइस किसके लिए विकसित की जाएगी या की गई है, तो यह दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए, ठीक है, तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है नयन ज्योति डिवाइस, ठीक है, तो इससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान वर्ष 2018 के लिए किसे दिया गया है ना, 2018 के लिए दिया गया है श्रीमती उमा शर्मा को, यहाँ पर 2017 के लिए भी दिया गया है तो उसे वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2017 के लिए किसे दिया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश अंडर 23 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है निकिता सिंह को, है ना, महिला टीम है वो। वर्ष 2020 में भोपाल में किस अभियान की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी पल्स पोलियो अभियान की भोपाल से, है ना, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है 2020 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, भोपाल से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हत्या और दुष्कर्म के मामले में किस वर्ग को आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश द्वारा दी जाएगी, तो ये STST या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में शेरनी फिल्म की शूटिंग की गई थी, तो ये की गई थी दिलवाड़ी जंगल, है ना, तो ये भोपाल से कुछ दूरी पर है, तो ये आप याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर इसमें जो अभिनेत्री थी वो कौन थी, विद्या बालन, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी शिखर माउंटेन कोजीअस्को को फतेह किया है, तो यहाँ पर दो है मेघा परमार और शोभित शर्मा, मेघा परमार यहाँ सीहोर से रिलेट करती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य में कितनी महिलाओं को निर्मला पाठक अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 18 महिलाओं को ये दिया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, है ना, तो ये बनाया जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट है भोपाल से आगरा के लिए किसके द्वारा मार्च 2020 में दिल्ली फ्लाइट शुरू की गई थी, देखिए दिल्ली से फ्लाइट शुरू हुई है ना, तो ये हमारे लिए IMP है, इंडिगो द्वारा, है ना, इंडिगो द्वारा, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है नाटक मेक ऑफ हैप्पीनेस का आयोजन शहीद भवन में किया गया है, यहाँ राज्य किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है माँ नर्मदा गो कुंभ संत समागम 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो ये किया गया है हमारा जबलपुर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के निवाड़ी जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो राष्ट्र जो हमारा जो निवाड़ी जिला जो अभी नया बना है तो उसमें किया गया है, तो नोरन महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2020 में राज्य के किस जिले में भगोरिया उत्सव मनाया गया, देखिए भगोरिया जो उत्सव होता है जो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये झाबुआ में ही मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर झाबुआ होगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक हासिल किए, मतलब किसने स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किए, तो महावीर प्रसाद ने, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट है भोपाल के किस खिलाड़ी ने नागपुर में आयोजित रिपब्लिक ओपन चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं, तो सूर्यांश ने, है ना, सूर्यांश सेन ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्च 2020 में राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने किस देश के काउंसल्ट जनरल से मुलाकात की है, तो ये USA के काउंसल्ट जनरल थे। नेक्स्ट है हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस परिषद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, तो ये लखनादौन नगर परिषद है जो कि उज्जैन के अंतर्गत यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये अशोक चक्रधर को, रचना इनकी जो रचना है ये मेरे वतन के लोगों, ठीक है, तो इस रचना भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रचना है ये कवि प्रदीप सिंह की रचना है ना, ये मेरे वतन के लोगों, ये आपको पता होना चाहिए। भोपाल के खिलाड़ी आर्यन सेन ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो नेशनल तलवारबाजी, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो आर्यन सेन खिलाड़ी है वो किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये भोपाल होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आर्यन सेन है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये तलवारबाजी से संबंधित है ना। नेक्स्ट है किसे 7 मार्च को राष्ट्रीय नारी रत्न से सम्मानित किया गया, तो ग्वालियर की जो डॉक्टर गीता सिंह है उन्हें नारी रत्न राष्ट्रीय नारी रत्न सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। होली के समय इंदौर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, देखिए इंदौर हमारा बहुत फेमस शहर है ना, तो इससे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनमें जो स्थापना दिवस इसका जो मनाया है, क्योंकि इंदौर हमारी खेल राजधानी भी है, औद्योगिक राजधानी भी है ना, तो इससे बन सकते हैं क्वेश्चन, स्थापना 304वां दिवस। नेक्स्ट है भोपाल के शहीद भवन में किस समारोह का आयोजन किया गया,
तो युवा अनुनाद समारोह, समारोह और आयोजन कार्यक्रम, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सोल यूजर मीट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? हमारा भोपाल में है। नेक्स्ट है, किस खेल में मध्य प्रदेश की महिला टीम ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने स्वर्ण पदक दिलाया? तो खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया? तो ये अजित कुरैशी को नियुक्ति यहाँ पर किया गया। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी हमारी कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट सर्वे के अनुसार विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा, किस जिले में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया? तो ये इसका राइट आंसर है जबलपुर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? योजनाओं से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो ये गोवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश की पहली स्मार्ट नेम प्लेट मध्य प्रदेश के किस शहर में लगाई जा रही है? तो ये इंदौर, ये सॉरी, इसका जो राइट आंसर है उज्जैन में यहाँ पर लगाई गई। लास्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इंदौर में वुमन ऑन व्हीकल रैली का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 8 मार्च 2020 को। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर 100 IMP क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार मैं अभी आने वाले सीरीज में और क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दूंगा, तो आपके 10 वीडियो में पूरा 2020 का करंट अफेयर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फ्री PDF भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप बता सकते हो कि इस सीरीज में और क्या सुधार किया जाए, इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। और जो हमारी PDF आपको यदि चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर सर्च करना Exam Time 2020, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। हमारा जो यूट्यूब पर जो लोगो है यही लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सारी PDF जितनी भी क्लास होगी सारी PDF आपको फ्री दे दी जाएगी, और आप बढ़िया अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।